फैमिली सेकंड मैच की तरफ बढ़ते हैं जो होने वाला है सेथ रॉलिंस वर्सेस ओमास। तो मैं ऐसे फर्स्ट ब्लड नहीं रखता, ओमास की इतनी भी हालत ख़राब नहीं करते, बेस्ट ऑफ थ्री रख देते। ओमास के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स ना आया हार्ड कोर करो। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कोई बना ही नहीं, बना ही नहीं, बना नहीं, सॉरी 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 यार, मुझे एक मिनट सेट को सेलेक्ट करने दो। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि सेट फ्रीकिंग रॉलिंस, जो कि सबको पता है भाई सेट फ्रीकिंग रॉलिंस ही ये मैच जीतने वाले हैं। तो अभी ओमास आते हुए, और क्या मतलब ये मैच है भाई, अच्छा रेसलिंग मैच होगा हम सबको पता है क्योंकि सेट इस मैच के अंदर इंक्लूड। लेकिन ओमास और सेट के मैच की ना ट्रू कोई स्टोरी नहीं बन रही थी, कोई कुछ नहीं बन रहा था, लेकिन बिल किया WWE वाले का, तो उन्होंने कहा भाई ले लो ये मैच, आ जाओ ओमास, अभी तुझे मैं सिखाता हूँ, सब गाने गाओ मेरे साथ साथ, हो हो ओ हो हो ओ हो हो ओ। और एक पेडिग्री का टाइम हो चुका है, पेडिग्री टाइम, और मत टेंशन लो MVP अंकल को भी बजाएंगे, निकलो MVP अंकल, सुपर किक भाई, ये जाइंट बनेगा, ये जाइंट बनेगा भाई, MVP को भी गिरा गिरा के मार रहे हो। और आई पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ सेट के इस वाले अटायर को, ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है वाला, पर्सनली वाइट एंड ब्लैक वाला ना, सेट का रेसलिंग अटायर भी अच्छा था, मैंने बनाया भी था, उसकी वीडियो तुम लोग को जहाँ पर मिल जाएगी चेकआउट कर लेना, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी है अटायर्स करके, अच्छा है वो भी, लेकिन यार जो इसकी वाइब है ना वो अलग ही है, ये अगर सेट रसल में ही पहन के आते ना, सेट ने अच्छा इसको अपना ज़्यादा बेस के लिए अटायर, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए अटायर बना लिया, सेट अपना परमानेंट अटायर बना लिया। ओहो अब जो बैकलैश में अटायर पहन के आएंगे उसकी भी, मतलब सारे बैकलैश के भी, मैं अब तुम्हें मैंने कहा था कि हम हमेशा पेपर व्यू, लेकिन पहले एक दफ़ा एक कम स्टॉप देख लो, कम स्टॉप तो हमेशा पेपर व्यू अटायर बनाया करेंगे, लेकिन ये अटायर मुझे अच्छा लगा, मैंने बना लिया। लेकिन अभी जब तुम नेक्स्ट वीडियो चेकआउट देखोगे रेसलिंग एम्पायर की, तो उसके अंदर सबके बैकलैश वाले अटायर होंगे। ओके और एक और नी, आ गया मज़ा MVP, अब ओमास को और कोचिंग दो कोचिंग, आ गया मैं, आ जाओ ओमास, आ गया सेट पिकिंग रॉलिंस, ओमास नहीं नहीं नहीं, साइड स्लैम बाय द नाइजीरियन जायंट, और मैंने डिफिकल्टी भी कम नहीं की। ओमास गलत जगह मत मार, वहाँ गुस्सा आ जाएगा, बहुत मारूंगा, स्विंग देने लग गया अभी ये पागल इंसान, रिवर्स और एक हरी के राना, अब तो इसके लिए मुझे कुछ और करना ही पड़ेगा, एक्सट्रीम लेवल नीचे भाग गया, नीचे भागने से बच तो नहीं जाएगा यार, एक कर्ब स्टॉम्प, एक फ्लाइंग स्टॉम्प, वैसे फ्रीकिंग रॉलिंस ये MVP नहीं हटेंगे, MVP अंकल उम्र का लिहाज करो, मत मार खाओ। ओहो ओमास यार, ये कैसा ओवरहेड बेली टू बेली सुप्लेक्स था भाई, क्या ओवर बेली टू बेली सुप्लेक्स था, अच्छा था ओमास, लेकिन कुछ सेट के लेवल पे नहीं है। और यार मेरे न्यू, हमने इतने टाइम से बात ही नहीं की क्योंकि मैं वहाँ पे था, न्यू हैवी वेट चैम्पियनशिप बेल्ट के बारे में, जो मतलब पुरानी बेल्ट है लेकिन उसका न्यू डिज़ाइन लेके WWE में वापस आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कौन उसका फर्स्ट होल्डर बनेगा, तो वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, हाँ वो सेथ रॉलिंस ही हैं जो फर्स्ट होल्डर बनेंगे। और एक पावर बॉम्ब टू ओमास, और ओमास अगर सेट को हरा देता है, मतलब बैकलैश के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन हम सबको पता है सेट ही है, ठीक है, और अगर ओमास सेट को हरा देता है, सोच सकते हो मतलब क्या फिर मोमेंटम होगा सेट का नाइट ऑफ चैम्पियंस में। और नाइट ऑफ चैम्पियंस में काफ़ी सारे रिटर्न भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कह रहे हैं हमारे सबके प्यारे चाचा बिल गोल्डबर्ग का रिटर्न हो सकता है, और भी बहुत सारे रिटर्न है, रैंडी ऑर्टन का रिटर्न भी रूमर्ड है, वो देखते हैं, हो सकता है, नेवर से नेवर इन WWE। तो चलो यार, एक और फ्लाइंग नी ओमास के मुंह पे, ओमास देख लंबा मत खींच मैच को, और भी मैचेस है देख, वीडियो लंबी नहीं करनी है,
MVP, ये जो हरकत आपने सर की है ना, इसका हर जाना तो आपको चुकाना पड़ेगा। MVP मत कर हरकतें, मत कर हरकतें, दौड़ सेट सर, तो भाई तू भाग ले। पिंग ये MVP को ज़्यादा नहीं कर रहा, ये मेरे को बाहर फेंकता है, बाहर आ जाता हूँ, मेरे को अंदर फेंकता है, मैं अंदर चला जाता हूँ, मैं को मजाक। अगर तू ये उठा सकता है, मैं भी तुझे उठा सकता हूँ मस्त। बेशक रियल लाइफ के अंदर सेट नहीं उठा सकते, बल्कि उठा ही सकते हैं यार, सेट ने कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं उठाने देंगे, क्योंकि तो उनकी जॉइंट की इज्जत खराब हो जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी ना उनके जॉइंट की, तो इसलिए नहीं उठाने देंगे, लेकिन उठा सकते हैं सेट रॉलिंस की, या शायद नहीं, लेकिन मुझे लगता है उठा सकते हैं भाई। इट्स माई पर्सनल च्वाइस। उमस मत आया करना, मत आया कर अपना मुँह लेके ऐसा, बड़ी हल किस्म का बहुत हरकतें हो गई आपकी, बहुत हरकतें हो गई। एक स्लिंग ब्लेड खाओ, मैं भी मारूंगा ट्रिपल, ये जो भी रेफरी अंकल है दोनों मारते हैं। रिकोशेट है, MVP को मारना बंद कर, अब उमस पे फोकस कर भाई, ये सिर्फ 3 की क्या, मेरे को खिंच के बजा दूँ। उमस MVP भाई, ये तो कार्ड व्हील एस्केप करके रिकोशे अंकल मुझे ही बजा देते हैं भाई। रिकोशे ब्रो डोंट डू दिस। और ये को शोल्डर स्लैम, मुझे इस नाइजेरियन जायंट के हाथों नहीं हारना, और मैं अगर रियल लाइफ के अंदर नहीं चाहता कि सेट हारे, तो मैं यहाँ पे भी सेट को नहीं हरवाने वाला। वीडियो के 5 मिनट खा गया है, हराओ इसको, हराओ, 5 मिनट खाता नहीं वीडियो को। सेट को तो भाई मारी की मारी जा रही है। उमास तो सेट के ऊपर हावी होने की कोशिश, लेकिन सेट ने रिवर्स किया, सेट ने 2-3 दूसरे भी बजाने की कोशिश की। नहीं, सेट छोड़ दो, थोड़ा पीछे से बच के एक और सुपर केक। एक यार इनके पीछे कूदा जिन पैट मैकाफी को कैसे खींच के इन्होंने बॉल मारा है। इस बात पे तो उमास गया तेल लेने, उमास गया फालतू हरकत करने, मैं उसको पकड़ता हूँ। MVP दरा, आई रियली लाइक यार थर्ड मैकाफी इज अ गुड बॉय, लेकिन ये उमास का फ़ायदा उठा लिया यार, ये मैं मुझे उमास बोलती थी। पैट मैकाफी डोंट किल मी ब्रो, मैंने तो तेरी वजह से मारा है उसको, और मेरे को सब बजा रहे हैं, मेरे को भागना चाहिए। पैट मैकाफी आ चुका गुस्से में, मेरे को भागना है, भाग जा। अच्छा बैड मैकाफी इन सब की लड़ाई हो जाए, मेरे को क्या है, जल्दी आ रही हूँ, जल्दी आ। आएगा नहीं, मैं तो टेबल पर खड़ा हूँ, हिम्मत तो टेबल पे आ जा। ये क्या था, स्काई हाई ना, स्काई हाई दिया अपना फिनिशर। नहीं, लास्ट मोमेंट पे मैं बचाऊँ, खुद से बचाऊँ यार, मत इतना भाग, क्यों इतना भागता है भाई उमास भाई। अब एक पेडिग्री खा लो, सिग्नेचर मनी हुआ पेडिग्री, खड़ा हो जाओ। एक और मुक्का यार, ये सेफ स्टेटस मेरा दिमाग मत खाया कर, इस टाइम वीडियो का टाइम पर सेफ स्टेटस दिमाग खा रहा होता है यार। प्लीज सेफ खड़े हो जाओ, थोड़ा आपको टाइम देने के लिए मैंने ये हरकत की। सेट रॉलिंस विद अ गुड मूव, और इसके ऊपर एक और मूव, दे आर चैंटिंग ECW। सुनो पहले चैंटिंग कर रहे थे ब्रो, नो वे यार, मुझे साउंड कर रहा है रियल के अंदर ECW कर रहे हैं, मुझे जैसा लग रहा है तो मुझे ECW कर रहा है। सर खड़े हो जाओ, इसको एक स्टॉन्ग दे के ख़त्म करे, इसका दिया से खेलवा। MVP नहीं कोई बात नहीं अंकल, पता ही नहीं मैं अपने होने वाले वर्ल्ड चैंपियन के साथ ऐसा कर सकता हूँ। अब एक फाइकन एरो तो बनता है,
जाओ मास, तेरा जाइंट वाला स्टेटस खत्म करना था। उठा के फिर पटकी दे दी महूस जाइंट ने, नाइजीरियन जाइंट, जाइंट जाइंट यार ना करो मास तेरी ऐसी तैसी, पागल कर दिया हूँ मास पे, किन करो किन करो उसकी ऐसी। उसका एम वी पी भी तो यहीं पे खड़ा हुआ है, और मैं तेरे साथ कुछ एक्सट्रीम कर दूँ मास तो फिर खुश रहेगा। खुश क्या, फिर खुश रहेगा अगर तेरे साथ कुछ एक्सट्रीम हो जाएगी, समझ रहे एक्सट्रीम। उसने मेरे को मतलब मुझको मजबूर कर दिया एक्सट्रीम थिंग्स करने के लिए ना, तो अब मैं इससे चढ़ूँगा इस पर। लैडर अपने मुंह पे मरवाना सेथ रॉलिंस आपको ज़रूरी रहता है यार, ये मैच बहुत जा रहा है, 9 मिनट का ही यार, 10 मिनट 11 मिनट के खाली ये मैच हो रहा है सिर्फ। उमास रिंग में जा कर, हे रिंग में जा, उस पर चढ़ जा, थैंक यू। मैं रिंग में तो गिरा हूँ, लेकिन ये जो एम वी पी की हरकत थी ना, इस पर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। इसी वजह से उमास की पिटेगा यहाँ पर, खुद मार खुद को, खुद मार, खुद मार खुद को। अभी सेट बन जा, अभी सेट बन जा, सेट 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 ही मेरा सेट ही नहीं है रूल्स ना सेट सेट। इट्स टाइम टू बी फ्रीकिंग रॉलिंस, कोई शॉट नहीं खाएगा। मूविंग सेट यार, फिर भी बूट मार दिया हूँ मास, मत लंबा खींचना मैच को, सारा मुझे सारा हूँ मास तेरे को सारा है। एक नहीं खा ले, अब पिन करो भाई, मैं पेडिग्री वेडिग्री स्ट्रॉन्ग फॉर्म देने के चक्कर में था, इतनी लंबी वीडियो खींच दी मनु साधु ने। हाँ तो ऐसे ही सेथ रॉलिंस, मुझे लगता है कि ये मैच जीतने वाले हैं, सेट जीत जा भाई, एक मुक्का मार के पिन करा ले। यार इसे बिग बूट देने की बहुत आदत लग गई है, पैट मैगा भी टारगेट करना, पैट मैगा भी तो ओमास को लिटा दे, एम वी पी को तो लिटा ही दिया, ओमास को भी खींच के लिटा दे। अब मुझे जाना है सेट पे, सेट पे, सेट पे, सेट पे, सेट पे, यहाँ पे ये रिंग में आएगा, यहाँ पे मैं इसको एक हरी किराना दे के पिन कर दूंगा, एक हरी किराना पिन, 1 2 3 और सेट रॉलिंस ये जीत चुके हैं। हो तो मेरी प्रेडिक्शन भी ये है कि सेथ रॉलिंस ये वाला मैच जीतने वाले हैं, तो अभी मैं नेक्स्ट मैच लगा के। इट्स टाइम टू गो टू अ ट्रिप टू ए टाउन डाउन, तो हाँ भाई अब नेक्स्ट मैच होने जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, ऑस्टिन थ्यूरी वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस बॉबी लैशली, ठीक है। तो हमें इस मैच के अंदर जो मेरी प्रेडिक्शन है और जो होने भी वाला है कि हमारे ऑस्टिन थ्यूरी जीतने वाले हैं ये मैच। यार दोनों मुझे मत देखो गंदी नज़रों से, यार मैं डिफिकल्टी चेंज करना फिर भूल गया, मम्मी हारेंगे अब ये दोनों गंदे आदमी, आपस में लड़ो आपस में लड़ो, मुझे मत देखो भाई, मेरा किसी से कहा। यार ये गंदा आदमी बॉबी लैशली, बॉबी लैशली से गंदा आदमी, बॉबी लैशली ना हरकतें करना, दोनों मारो मार रहे हैं। हाँ तो अभी तो जब तक ये दोनों लड़ रहे हैं तो मैं अपनी विमेन मैचेस, अभी मैं अपने सारे मैचेस की प्रेडिक्शन मतलब जो अभी तक हुए हैं उनकी कर देता हूँ। फर्स्ट मेरी प्रेडिक्शन है कि के और सैमी और रिडल जीत जाएंगे, और सोलो सिक्वा अपने दोनों भाइयों को खिच खिच के मारेंगे, यानी कि जोस और जीमस को। फिर मेरी प्रेडिक्शन है कि सेथ रॉलिंस हरा देंगे ओमास को, और विमेंस मैच है यो स्काई वर्सेस बियांका ब्लेयर, तो उसके अंदर हम सबको ही पता है कि बियांका ब्लेयर जीतने वाली हैं, और मेरी प्रेडिक्शन भी बियांका ब्लेयर ही है। और फिर उसके बाद मैच होने वाला है रिया रिपली वर्सेस ज़लीना वेगा, और इस मैच के अंदर मेरी प्रेडिक्शन है कि ज़लीना वेगा को कुचल देंगी हमारी मामी, हमारी नहीं डोमो की मामी, यानी कि रिया रिपली। तो मेरी ये प्रेडिक्शन है, और आगे मैचेस की भी मैं प्रेडिक्शन देते जाऊंगा, जैसे ही मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन है ऑस्टिन थ्यूरी वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के, हमारे ऑस्टिन थ्यूरी यानी कि हमारे चूहे यानी कि हमारे अब मर्द बन गए, यानी अब सही है ऑस्टिन थ्यूरी ये मैच जीतेंगे। पहले मैं चूजा करता था, लेकिन अब ऑस्टिन थ्यूरी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं WWE के अंदर, तो अब सही है। और एक ड्रॉप किक जिसे बॉबी लैशली, आपको क्या मसला, को तो इवन मारा भी नहीं, दूसरे को मारो मोटो
मोटो नहीं मतलब तुम ताकतवर हो यार दादा। हाँ ये ब्रॉन स्ट्रोमन ने, ए ओ हो, वो भी लेशली और ब्रॉन्सन रीड लड़ते रहे भाई, मुझे क्या काम है। मैं तो एंड में से पीछे से आके एक फेस प्लांट दूंगा। अब दोनों पर एडवांटेज रखना है और दोनों को अब मैंने गिरा के रखना है, क्योंकि अगर वो अब दोनों खड़े हुए तो फिर मैं गिर जाऊंगा, तो अगर मैं गिर जाऊंगा तो फिर तो गया। और एक जंपिंग डीनीटी टू ब्रॉन्सन रीड, से ब्रॉन्सन रीड है के मोटे खड़े हो चुके हैं। बॉबी लैशली एक सेटिंग क्लॉथ लाइन, लेकिन एक स्पाइन बस्टर ड्रॉप। बॉबी हरकतें मत करो ज़्यादा। एक और गट रेंच टू, यार ये दोनों ने मुझे घेरेंगे, डबल टीम देते हुए, लेकिन मैंने रिवर्स किया थे। हाँ मैंने रिवर्स किया। बॉबी लैशली टेक डाउन बॉबी, टेक डाउन बॉबी, और पिन कर लिया ब्रॉन्सन रीड के चालाक इंसान ने। चालाकी भाई चालाकी, कितना चला क्या है ब्रॉन्सन रीड। बॉबी लैशली भी, यार ये दोनों मुझे मारी जा रहे हैं। मैं साइड में था, कोने में सगून था, जब से मैं बीच में आया हूँ ना तब से मेरी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि बीच में आने से तुम्हें पता ही है क्या होता है भाई। मैं बीच में हूँ तब से मैं पिट रहा हूँ, तब से मेरा सीन ज़िंदगी का ख़राब हो ही जाता है। और ऑस्टिन थ्योरी बन के अब रिवर्स करो। हाँ भाई आप दोनों एक दूसरे को मारो। अरे ब्रॉन्सन रीड की बहुत हेल्थ है, इसको डैमेज देते हैं तो मिल बांट के, इसको डैमेज देते हैं मिल बांट के। टॉप रोप से एक ड्रॉप की कब बनती है इसके लिए, इस जैसे मोटे के लिए, बल्कि बॉबी लैशली। और बॉबी को एक ड्रॉप किक फ्रॉम द हेवेंस, नहीं फ्रॉम द सेवेंस। हाँ भाई फ्रॉम द सेवेंस ही दिए मैंने। अबे यार थोड़ा दौड़ ही जा, दौड़ता भी नहीं है। हाँ नीचे नीचे जा, अब वापस ऊपर आ। अब यहाँ से ट्रिप टू ए टाउन, डाउन कर दें इन दोनों को। अभी कौन खड़ा होगा, ब्रॉन्सन ही खड़ा होगा मुझे जैसा लग रहा है। ब्रॉन्सन रीड के मुंह पे ही किक, और अभी ए टाउन डाउन का इशारा कर दो, क्योंकि अभी जल्द मेरे पास फिनिशर आ जाएगा, फिर इनको लेके जाऊंगा ए टाउन डाउन। अभी बॉबी तो वीक है, लेकिन ब्रॉन्सन का कुछ ऐसा सीन नहीं है वीक होने का, उसको भी वीक करते हैं थोड़ा। फिनिशर आ चुका है मेरे पास, पहले ब्रॉन्सन को देते हैं ए टाउन डाउन। अभी बॉबी की बारी है ए टाउन डाउन जाने की। ए टाउन डाउन टू बॉबी लैशली, ए टाउन डाउन, विन करो भाई ए टाउन डाउन। मैंने ए टाउन डाउन दिया था। हाँ बेशक ये गॉन टू स्लीप था यहाँ पे, लेकिन हाँ भाई मैं क्यों ब्रॉन्सन रीड के मामले में दिक्कत कर रहा हूँ। ये थोड़ी ना एक ऐसा मैच है कि अगर ब्रॉन्सन रीड ने पिन कर दिया तो भाई मैं भी अपना टाइटल मैं भी हार जाऊंगा, मैं थोड़ी ना हारूंगा। सही है ब्रॉन्सन रीड और इसकी लड़ाई होने दो, अगर आई वांट टू वीक ब्रॉन्सन इज वेल। मेरे ब्रॉन्सन अगर वीक नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा मेरे साथ, आपको नहीं पता गाइस, आपको नहीं पता। एक डबल ड्रॉप, एक ट्रिपल ड्रॉप किक, वाह ड्रॉप किक में दम मेरे जैसा होना चाहिए। हमारे यहाँ से चढ़ के यहाँ से फिर ड्रॉप किक, सीधा ड्रॉप किक पर ड्रॉप किक देते हुए बॉबी को एक ड्रॉप किक जो नहीं कनेक्ट हुई, और दोनों लॉन्डो का शिकार मैं बन चुका हूँ, दोनों लड़कों का शिकार मैं बन चुका हूँ। अरे मत मारो ना इतना, अब क्या हरकत है, मैं आपका अपोनेंट तो ज़रूरी है मुझे मारना है। तीन बंदे देखो इस मैच में, दो भी नहीं तीन बंदे। ऑस्टिन थ्योरी, पहले ब्रॉन्सन को रिंग के अंदर लेके चल, क्योंकि रिंग के बाहर ज़्यादा टाइम पास होता है मुझे ऐसा लगता है। इट्स माय चॉइस, रिंग में चलो, तूने आना है आ, नहीं आना ना। अरे मोटा स्पीयर बहुत तेज दे रहा है। हाँ बॉबी लैशली तू ऊपर से चढ़ के इसके ऊपर ही मेरे ऊपर कूदने की जाहिर है, साजिशें। और बॉबी लैशली ऐसी हरकतें क्यों करते हो, ड्रॉप खाने के लिए। एक और किक टू बॉबी लैशली एंड ब्रॉन्सन रीड को रिंग में लाते हुए। टॉप पे चढ़ गए भाई, टॉप में चढ़ गए, टॉप में चढ़ गए हम। आ जा मेरे राजा। पहला सेंटॉन, सिटिंग सेंटॉन था, चलो अच्छा मूव था। एक शूटिंग स्टार स्प्लैश। अरे ब्रॉन्सन रीड जो है ना बीच बीच में हरकतें बहुत कर रहा है, मुझे पकड़ता है। रिवर्सल यार मुझे इस बॉबी, इसको मार के ना एक दफ़ा, हाँ मैंने इसका फिनिशर दिया था ऑलमोस्ट, मैंने इसका फिनिशर दिया था। हाँ आई नो इट। और ये सुनामी वाला बंदा जो है ना, ये सुनामी ले आएगा से बच के रहो। मैं बॉबी की तरफ फेंक देता हूँ,
यार वो भी कैमरा शॉट मेरे को मत मार भाई, मेरे को गुस्सा आ रहा, गुस्सा। अब वीडियो यार मेरा एक जो था ना पार्ट, एक मैच अलग हो गया, पता नहीं वो जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, पिन कर लो उसको, पिन कर। इसलिए मैं छोटी की कोशिश में हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो हो जाए कि वो वीडियो जुड़ जाए भाई। मेरे को मेहनत, एक को ऐसा ना करना पड़े कि एक पार्ट में ऐसे मैच उन लोगों का, फिर एक पार्ट में ऐसा मैं नहीं करता। 2-3 अब आ जा ब्रॉन्सन, ब्रॉन्सन ब्रॉन्सन, तू तो 8 राउंड डाउन जाएगा ब्रॉन्सन, चले जा भाई। भाई नहीं है मेरा, भाई नहीं है मेरा। 8 राउंड डाउन और पिन कर लो इसका डाउन डाउन। 1-2-3 एंड इज योर विनर इज ऑस्टिन थ्योरी। और मेरी प्रेडिक्शन यही है कि बॉबी लैशली वर्सेज ऑस्टिन थ्योरी वर्सेज ब्रॉन्सन रीड के मैच में जीतेगा ऑस्टिन थ्योरी। नेक्स्ट मैच लगा के तुमसे मिलते हैं यार। ये एड ऊपर से फालतू आ जाता है बीच। इट्स टाइम फॉर प्रोटोगीगोज ओन बैड बनी वर्सेज अपने प्यारे डेमियन प्रीस्ट जजमेंट डे के मेंबर। तो चलो यार ये मैच स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया था, इट्स टाइम फॉर प्रोटोगीगोज ऑन बैड बनी वर्सेज डेमियन प्रीस्ट जिनके बैकअप में आएगी पूरी टीम। तो मैंने एक चीज़ की है कि भाई डेमियन प्रीस्ट के पास तो पूरा खानदान है सही है जो उसे बचाने आएगा, तो अपने रे के इसके बैट के पास भी कुछ होना चाहिए। तो बैट के पास दो चीज़ें, एक है नाइट स्टिक, एक है अपना ये नाइट स्टिक। और देख लें इनके साथ कौन कौन आया, फिर डोमिनिक है भाई। अच्छा वो सिर्फ बिगड़ायल बच्चा डोमिनिक है, बिगड़ायल बच्चे हरकतें मत करना बिल्कुल भी। और ये एक स्ट्रीट फाइट है तो बस कोई रूल्स रेगुलेशन इसमें नहीं है। एक स्वान टर्म बाय मी, अबे मत कर हरकतें, स्ट्रीट फाइट रहने दे। सोन जून नगा स्ट्रीट फाइट क्या क्या मतलब है, नहीं भाई मुझे समझाओ, ये सोन जुगन नगा जो भी इस शहर का नाम है जहाँ पे ये होने वाले, इसका क्या मतलब है ये आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। और ये एक नॉर्मल सी मेरे हिसाब से जो स्ट्रीट फाइट होगी, कुछ ज़्यादा नहीं होगा इसमें, लेकिन मतलब इस वे मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल ही स्ट्रीट फाइट होगी, कोई ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड वगैरह नहीं होंगे या कोई चीज़ अलहदा, बस नाम उस सिटी का लगा दिया जहाँ पर प्रोटोगीगो के हो रहा है ये इवेंट, उस शहर का लगा दिया, सिटी उस शहर का लगा दिया जहाँ पे ये प्रोटोगीगो में इवेंट होने जा रहा है। ओहो मॉमी रिया रिप्ली, रिया रिप्ली आगे ज़ेलिना वेगा का आपने कचड़ा कर दिया है, तो ज़ेलिना वेगा तो बेचारी मरने वाली है इसके बाद। यार ये दोनों ना मत मारो यार, माँ बेटा यानी कि मॉमी और उनका बेटा डोमिनिक एरियो, मैं तो चला डेमियन पे जीत में। डेमियन भाई मेरा तो साथी भी पीटर है, मेरा साथी भी निकम्मा है। अरे मारो मारो बराबर मारो भाई, बल्कि मेरे को भी मारना है, सारा क्रेडिट आप लेके जाओगे, मुझे भी मारना है इसको, इसको रिंग के अंदर लाओ, रिंग के अंदर लाओ, रिंग के अंदर क्यों नहीं आता डरपोक, निकल प्रोटोगीगो से, ये प्रोटोगीगो है और ये बैकलैश का लोगो मैं नहीं बना सका सॉरी ना सही वाला। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पे पर भी जो मेन मेन पे है ना जैसे उसका भी बनाऊँगा, सारों का बनाऊँगा, लेकिन यार मैं वहाँ पे था ना तो नहीं बना सका सॉरी। अरे ये मिस्टेरियो कहाँ कहाँ मार रहे हैं यार बेचारे बच्चे के, हाँ बच्चे और उसकी लड़ाई होने दो, बाप बेटा की लड़ाई होने दो। मैं डेमियन पे गया भाई, तुम लोग को मरना है लड़ना है जो करना है करो, आई एम बैक इन द रिंग। यार मत मार प्लीज, बाप बहुत मार रहे डंडे डंडे बजा रहे यार भाई, दोस्त है। और ये देखो भाई प्यार होना चाहिए तो ऐसा प्यार होना चाहिए कि बैड बनी ने अपना फर्स्ट मैच रेसल भी बैड इसके साथ किया था डेमियन प्रीस्ट के साथ एज अ टीम मेट, लेकिन वो अपना सेकंड मैच रेसल करने जा रहे हैं तो उसके ख़िलाफ़ रेसल करने जा रहे हैं, तो भी ये लोहे का कोई टुकड़ा भी मुझे नज़र आ चुका है, मैं ये उठा के भी बजाऊँगा।
ये माल वहाँ, ये जो सामान वगैरह है रिंग में फेंकते हैं, रिंग में जाना। रिया रिपली के मुखड़े पे क्यों लग गया भाई? रिया रिपली के मुखड़े पे लग गया भाई, रिंग में भागो भाई, रिया रिपली बहुत मारेगी आगे। बड़ी खतरी लेडी, बड़ी खतरी लेडी यार। रॉक अंकल को तो मत मारो, तो रॉक को हैप्पी बर्थडे मैं कहना चाहूँगा वीडियो के अंदर भी। हाँ, कुछ दिन पहले इनकी बर्थडे थी, मैंने डाला भी था कि टैप पे ये हैप्पी बर्थडे द रॉक, द रॉकी बॉय। कुर्सी तू उठा ले, टेबल तेरा दोस्त रिंग में दे रहा है। अब नहीं नहीं अच्छा, इतना फ्रेंड होने के लिए किसने कहा कुर्सी मुझे दे दी भाई? अरे यार ये पोस्टमैन क्यों लगती है कुर्सी? कुर्सी समेत खाओगे अंकल आप? यार कुर्सी रिंग में नहीं जाती भाई। हाँ कुर्सी रिंग में गई, कुर्सी रिंग में गई। डोमिनिक मेरे पे मत आइए। और ये एमवीपी के साथ क्यों मेरे पंगे स्टार्ट हो गए? मेरे यार किसी से पंगे पंगे भाई। ये ऐसे प्रीस्ट आप मजाक में चल रहे हैं ना, आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी आपके साथ रियल में ऐसा करता हूँ मैं। जलावा डंडा, वही जलावा डंडा, जलावा डंडा ले हवा में पड़ेगी भाई, हवा में। और ये वाला मेरे को डंडा उठा, यही बजेगा। और ये डोमिनिक गधे मिस्टीरियो, अरे नहीं एक पागल बेटा ही हो। मैंने डिफ़िकल्टी फिर भी चेंज नहीं की यार, अब इस वीडियो में डिफ़िकल्टी चेंज करते ही नहीं है आधी मिनट तो मैं ऐसे ही कहते हैं गुजार दिए थे, अभी डिफ़िकल्टी चेंज ही होता हूँ अभी 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 अभी। ओहो यार इसलिए अब आप निकल जाओ, सही है ना? फिर से निकलो, अभी ये रिंग बैड होने वाली है क्योंकि ये बैड बनी की रिंग बनने वाली है। और मेरे पास बहुत औसम एंडिंग है इस मैच की लेके, तो मैं वो ही करूँगा ब्रेन बास्टर। और इस मैच के अंदर मेरी प्रिडिक्शन है, हम सबको ही पता है, हम सबको नहीं पता मतलब पता होगा किसी की प्रिडिक्शन, मतलब मेरी प्रिडिक्शन ये है कि बैड बनी जीतने वाले हैं। और यार रिया रिप्ली से पहले कुचलने वाली है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख ज़लीना वेगा के लिए हो रहा है। उन बेचारी को पुश भी मिला तो उनकी मतलब ऐसे ख़तरनाक लेवल का, कि पुश अभी मिला है तो भी उनके लिए एक तरीके से दुख की बात ही है रिया रिप्ली के खिलाफ मैच। और वो भी ज़्यादा देर का पुश नहीं है, और मुझे जैसा लग रहा है कि ज़्यादा देर का तो उसको कोई पुश नहीं होने वाला है। तो बेचारी को मरने के लिए एक मैच ही क्यों दे रहे हो? बेचारी मर जाएगी इस मैच के बाद, क्योंकि रिया रिप्ली भाई बहुत ख़तरनाक है, बहुत पीटने वाली है इसको। एक यार ड्रॉप किक नहीं लगती है ना, एक दफ़ा प्रीस्ट आप मुझे सिखाना। वैसे भी प्रीस्ट से काफ़ी ज़्यादा मूव सीखे थे इन्होंने। भाई चबड़ बहुत तेज मारी है, तेज नहीं तेज 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 मारी है, चबड़ बहुत तेज मारी है यार। ये मारी पे मारी जा रहे हैं प्रीस्ट, आप हरकतें बहुत ज़्यादा कर रहे हो मेरे भाई। छोड़ छोड़ ना, छोड़ता भी नहीं आदमी। और अब गया ये, बहुत हरकतें सूझ रही थी ना मिस्टर, मिस्टर बहुत हरकतें सूझती थी ना। ओ, ओ कैसा लगा ये? डंडे उठाए, डंडे ही डंडे, नहीं नहीं इसमें इसमें सब कम हो जाती है डंडे ही डंडे देने से। भाई दिस इज ऑसम कर रही है पब्लिक, पब्लिक इज सेइंग दिस इज ऑसम। भाई फिनिशर तो नहीं दे रहा उसने, भी मुझे चेयर के कोने पे ही मारा पैड ड्रैगन उसने। कहा तू मार रहा है यार बैड बनी भाई है तेरा, छोड़ उसको उठा के ला प्रीस्ट गंदे चेयर उठा के ला। क्या रॉक बॉटम दिया बैट मैकेफी, यू आर ओपी। ये रॉक बॉटम देखने के बाद तो मैं यही कह सकता हूँ यू आर ओ पी। भाई बैड बनी बनने दो मेरे को, बैड बनी धीमी लला धीमी लला गाना वाला गाना। ओ यो बैड बनी यार तू स्लिप क्यों हो जाता है? मतलब मुझे ऐसा क्या तेरे साथ हुआ भाई कि तेरे पैर ही चलते हैं, तू स्लिप हो जाता है बात बात पे। और चेयर इस पागल ने बाहर हम दिया, मिल गया फाइनली फाइनली आई गॉट द चेयर द स्टील ते और दैट आई ऑलवेज वॉन्ट। इसको यहाँ पर छोड़ो,
मैं इस पर खड़ा हुआ। डोमिनिक हरकतें मत कर, ये फिर भाई यार ये क्या पागल आदमी है। डोमिनिक मिस्टेरियो यू आर अ फ्रीकिंग मैन। मैं इतना भी मैं नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा करीब आने दो। उड़ गया फ्लाइंग क्रॉस बॉडी बाय योर बॉय। यो बॉय यार मुझे टांग पड़ के इतना मैं दूर क्यों गिर जाता हूँ। डेमिनियन क्रीज की टांग तो है, कौन सा कोई अब उड़। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे लंगड़े प्लीज। एक लात मारा, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। ये खड़े भी नहीं होते मूवमेंट पे, और मूवमेंट पे खड़े ना होने की इनकी आदत ना बहुत ही गंदी है। सीटिंग पावर बॉम्ब टेबल के कोने में पड़ा। अरे कितना ज़्यादा फिनिशर आने वाला था, लेकिन इन्होंने सारा बर्बाद कर दिया, सारा का सारा। टेबल के ऊपर गिरा दिया, टेबल के ऊपर गिरा दिया। एक मुक्का दे, एक मुक्का, एक मुक्का प्लीज, एक मुक्का प्लीज। कितना उछल गया भाई प्लीज। भाई क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। यहाँ से एक स्वांटा, मैं इसको खड़ा करके ना 3-4 मनोवर बैक टू बैक मारता हूँ, वो मेरा फिनिशर आ जाएगा। मैं फिनिशर में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो यही वाला सीन है ना, इससे बूस्ट हुआ थोड़ा फिनिशर का बाद। अच्छा टूट भी करनी पड़ेगी अब, दो अब डोमिनिक मिस्टेरियो को ही बजाना पड़ेगा। यार ये मूव देने से तो मैं खुद ही पिट जा रहा हूँ। डेमियन है यार, डेमियन हरकतें मत करो यार भाई, डेमियन मिनट के लिए हरकतें नहीं करेगा तो मर जाएगा भाई। क्या छोड़ दे, क्या छोड़ दे, कुछ पकड़ा छोड़ दे यार प्लीज। क्यों आप इतना मुझे तंग कर रहे हो, क्यों इतना इरिटेट कर रहे हो, क्या मज़ा क्या आ रहा है आपको इतना इरिटेट करने में। क्यों इरिटेट करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। छोड़ दे भाई, भाई बन। हाँ शुक्र है मैं रॉक पे कूद गया, वरना तो फिर पीछे से किक मारने भी नहीं दे रहा, मारने भी नहीं दे रहा, मारने भी नहीं दे रहा पागल इंसान। स्वान टम था, एक और स्वान टम, एक और स्वान टम, एक और स्वान टम। टेबल खड़ा करो यार, मारो इसको भाई। मैं इतना ऊंची ऊंची चिल्ला रहा हूँ, मेरे घर वाले ना मेरे को बेइज्जत कर दें कि रात को इतना ऊंची ऊंची क्यों चिल्ला रहा है पागल। ये जो हरकतें ना इनकी, इसी वजह से मैंने रिवर्स भी कर दिया, थैंक यू। थोड़ा थोड़ा रिवर्स भी मेरा अच्छा हो गया है ये वेरी हार्ड में आज खेलने की वजह से। और ये इनके फिन बैलर का ट्रिब्यूट थोड़ा सा ले लो, ट्रिब्यूट ले लो फिन को, थोड़ा सा ट्रिब्यूट ही दे दो, ट्रिब्यूट आपके अपने दोस्त को। देखो दोस्त यही होता है, दोस्त के दोस्त को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, वाह इतना अच्छा हूँ मैं, देखो इतना अच्छा हूँ मैं, वो गाने में नहीं आते इतना बुरा हूँ मैं। ये बैड बनी बाबुआ, मेरा दिल नहीं कर रहा मैं रिया रिपली को पकड़े भीड़ दूँ, क्या और काम तो मेरे से होने नहीं वाला। मैं क्यों ऐसी हरकतें करता हूँ, ऐसी क्रिंजी हरकतें करके मुझे क्या मिल जाता है, इतना क्रिंज करके मेरे को क्या मिलता है ज़िंदगी में। ये रिया रिपली मेरे को ठोक रही है यार, कोई बचाओ, समवन सेव्स मी फ्रॉम दिस हेल। ये भी पीट रहा है गंदा आदमी, तेरी अंडरलिंग कितनी ख़त्म कर दी, कितनी ज़्यादा ख़त्म कर दी, मुझे रिंग में वापस नहीं जाने देने वाले ये लोग। यार इतनी क्रेजी वीमेन, यार ये वीमेन जो है ना बड़ी क्रेजीश्वरी है, क्रेजीश्वरी। इसका फिनिशर आने वाला था बैड बनी का, फिर चला गया दस, बैड बनी का फिनिशर आने वाला था फिर गया, फिर आने वाला था फिर चला गया। एक सुपरमैन पंच, इसको छोड़ो बाबनी, बाबनी को छोड़ो। यार मुझे बीच में कोई भी गंदा आदमी मुक्के मार के ना गिरा देता है। अब रिया रिपली आ गई, भागो भागो मम्मी रे, मम्मी रे, मम्मी रे, मेरे को बता लो रे। बाहर क्यों गया, बाहर क्यों गया पागल 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 क्या होता है, पागल 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 है भाई, पागल।
पागल है भाई, क्योंकि ये रिंग में जाए। ये नुमड़ा बाहर क्यों आता है? अब चढ़ चुका है मुझे। दिस इज ऑसम कबूत, दिस इज ऑसम। जंग फाइल अभी मत दिखाओ, ये जंग फाइल चल रही है। सही, जंग फाइल, डोंट शो मी जंग फाइल, इट्स जंग फाइल टाइम, सिन्ना बहो टाइम, सिन्ना बहो। अरे ये बाहर क्यों जाता है जिंदगी में? मतलब रोना, हैशटैग रोना। बैबनी देवे प्लीज छोड़ दे भाई, भाई बनी फिनिशर आने दे, एक दफ़ा आने दे प्लीज़, हमको ये करने दे। हाँ सनसेट फ्लिप, यही मारना पड़ेगा अब इसको। 7000 टाइम, 12 मिनट के ये मैच खिंचा गया भाई, ये मैच भी खिंचा गया लंबा। आई डोंट वांट टू टॉक नाउ मैन, इतना जिंदगी का कचड़ा कर दिया ना इन लोगों ने, कचरा कर दिया। इवन इफ टॉक करने के लिए फिनिशर नहीं आने वाला, रे मिस्टेरियो। कुर्सी भगा अपने बेटे को। डेमियन बाबोनी को बोन दिया, बाबोनी सुन दिए, बाबोनी इससे बड़ा कुछ यार। यार इतनी आ कि कूद के कूदती रहती है हर जगह का क्या मतलब, मीन्स कहाँ भाई मैं खड़ा हो जा। एक और हमके राना। अब पूरा तगीगो का सन जो है ना वो गुस्से में आ रहा है, गुच्छे में आई मीन गुच्छा। यार प्रेम स्टेरियो तो खुद पागल आदमी है, इसको क्यों मैं अपने साथ लेके आया हूँ? ये मेरे को पीट रहा है उल्टा, ये मेरे को मुझको उल्टा पीट रहा है भाई, पागल इंसान इनटू 100। रे आई लव यू बट यू आर सिक मैन, मतलब ये कौन हरकत करता है? चेयर को यहाँ पे रखो, थोड़ा सेंटर में, इधर इच रखेगा। अरे बाबा यहाँ से तो कुर्सी गिर जाएगी, इसको 2-3 शॉटे मार के मुझे गिराना ही पड़ेगा। अब चेयर यहाँ पे रखनी है। दैट्स ऑसम, दैट्स नाइस, दैट्स कूल, दैट्स आई कैन गो टू हाई स्कूल। सुई, और 14 मिनट से ये मैच चल रहा है। सुई, मर जा तू, जिंदगी में तेरी कचरा बने। यार ये बहुत लंबी जाएगी वीडियो भाई, वो नहीं होने वाला, ये दोनों नहीं लगने वाले एक साथ, ये नहीं जुड़ सकते भाई। और मैंने कचरा हो जाएगा मेरा। बैट बनी के ऊपर कूद। अब बैट बनी को खड़ा कर, रिंग में प्रोतगी हो गए अपने सन को रिंग में भेज। आई लाई, आई चीट, आई स्टील। और अब आपने बहुत हरकतें कर ली हैं प्रोतगीगो के अंदर, अब आपसे कुछ नहीं हो रहा, आप यही देखे क्या नेगड़ियाँ डिस्ट्रॉय भाई। यहाँ पे देना पड़ेगा कि एग्जैक्ट चेयर पे जाए ना, हरकतें प्रीस्ट को हर वक्त करनी है। मैं चाह रहा था कि मैं सही से दे सकूँ ना, एक तो भाई एक दफ़ा ट्राई कर लूँ, क्या होगा 5 बार एक बैक टू बैक दे दूँगी ये वाला शॉट, बस 2-3 बार और देना है। आने वाला है फिनिशर, ऑलमोस्ट भर चुका है हमारा बार, फिनिशर का लेरियट दे के हम प्राउड फील करवाएंगे आज JBL को। आज JBL भी बोलेगा भाई आया है नया लड़का मार्केट में, बैड बन नाम है उसका, लेरियट देता है। एक और, वन लास्ट टाइम भाई, नो चार्ज स्किल डैमेज होने वाली है। फिनिशर आने वाला है हमारा, और फिर थोड़ा इससे हरकत कर दी भाई, हरकतें मत क्या करो इतनी, आप ना कि आपकी वजह से किसी को बैड फील हो, ठीक है, बैड बनी फील हो। और बैक टू बैक लेरियट्स देखे, कितनी जल्दी मेरा फिनिशर आने वाला है, तो फिनिशर आने वाले भागो,
रतगी को के उन सन भाग जा यानी कि कहो तो मैं चाहता भी नहीं कि मेरे फिनिशर अभी हो तो मैं मेरा फिनिशर आ चुका है। इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। एक कैनेडियन डिस्ट्रॉयर जिससे मेरा दिल नहीं भरा है। दिल तो बच्चा है जी, दिल को तो और चाहिए जी। तो यहाँ से देंगे कि एग्जैक्ट चेयर पे लगे और एक और कैनेडियन डिस्ट्रॉयर। भागो 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 इनको जाने दो। मैडम प्लीज रन, मेरे को रन करने दो। 1 2 3 एंड योर विनर इज बैड बनी। और मेरी प्रेडिक्शन यही है कि बैड बनी जीतेगा। ठीक है इट्स टाइम फॉर आर मेन इवेंट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। तो यार अब एक मिनट यार, इस मैच से पहले मैं सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, रुको एक मिनट। और गाइस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल जो प्रेडिक्शन है उसका तो गाइस मैंने डिफिकल्टी चेकआउट कर ली और वो अभी हार्ड पे है। तो ठीक है भाई, हार्ड पे मैं आज इतना पिट रहा था। तो हाँ मुझे ये कहना था कि अभी जो पहले तो लग रहा था कि नंबर ऑफ मैचेस होंगे इनकी राइवलरी में, लेकिन फिलहाल कह रहे हैं कि एक ही मैच होगा। तो इस वजह से ना कॉडी रोड्स जीतेंगे। अगर एक ही मैच होना हो तो सिर्फ कॉडी रोड्स, और अगर एक ही मैच होना हो तो इस मैच में कॉडी रोड्स जीतेंगे। और अगर मल्टीपल मैचेस, अगर लास्ट मोमेंट पर प्लान चेंज हुआ और मल्टीपल मैचेस का इन्होंने सोचा तो फिर ब्रॉक लेसनर जीतेंगे। बस ये दिमाग में रखना है, लेकिन फिलहाल प्रेडिक्शन तो कॉडी रोड्स ही है। ओहो किस ऑफ डेथ बाय ब्रॉक लेसनर, ब्रॉक द बीस्ट। आप और यार इतना खुशी हो रही है ना ये मैच खेलते हुए, पता नहीं मैं इस बताता हूँ क्यों हो रही है। क्योंकि अब क्रॉस रोड्स है, हमें फॉलिंग डीनीटी नहीं देना पड़ेगा, अब क्रॉस रोड्स है इसके अंदर। यानी कि कॉडी का ट्रू फिनिशर और एक हरी किराना। ओ माय गॉड एक सुप्लेक्स और ये रिप्ली क्यों आ गई। रिया रिप्ली को हर किसी के मैच में स्पॉटलाइट चाहिए। रिया रिप्ली मेरे पे कूदना मत, मेरे पे कूदने का सोचना भी मत। मैं कोई आम रोड नहीं हूँ, मैं कॉडी रोड हूँ। कॉडी रोड है कॉडी कटर, हमेशा तो हमें स्प्रिंग बोर्ड ही देखने को मिलता है ना कॉडी कटर। मैं तो नीचे भागूंगा यार। रिप्ली कॉडी रोड से मस्ती, कॉडी से पंगा पावर बॉम्ब, ये तो रोमन वाली हरकतें करती है भाई रिया रिप्ली। रिया इज अ खतरू रिप्ली। और ब्रॉक को दौड़ाया एक बॉडी स्लैम, एक स्कूप बॉडी स्लैम गया, एक स्कूप स्लैम, एक पावर स्लैम, एक भाई कॉडी कटर दे दो, एक कॉडी कटर। भाई ब्रॉक लेसनर भी अपने बीस्ट के उसमें आए हुए कार्नेट वाले वाइब में। भाई जब ब्रॉक ने तोड़ा है ना कोडी को जिस तरीके से, मैं समझा था भाई ये कोडी रोड्स के सामने जो ब्रॉक आएंगे ना वो बीस्ट वाले ब्रॉक होंगे, लेकिन WWE ने नहीं लाए बीस्ट वाले ब्रॉक को। ये ब्रॉक का एक न्यू स्मार्ट वर्जन है जो कौवा ही है, मतलब कॉबॉय ब्रॉक ही है। और एक और किक छोड़ दो भाई ब्रॉक लेसनर। और एक रॉक बॉटम, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो कोडी रोड्स, इट्स टाइम टू बी द नाइटमेयर ऑफ बीस्ट इनकार्नेट। ब्रॉक खड़े होने की कोशिश करो, स्टाइल मार लो तब तक, थोड़ी छाती वाती पीट लो। और रिया रिप्ली के ऊपर एक ड्रॉप किक ही मार दो। हाँ वो खड़े होंगे अब, ब्रॉक लेसनर बाहर जा चुके हैं। ब्रॉक लेसनर रिया रिप्ली को एक और ड्रॉप किक, एक और स्कूप पावर स्लैम। और अब थोड़ा ट्रिब्यूट देने का टाइम है टू हिज ओन फादर डस्टी रोड्स। वो और एक फिगर फोर लेग लॉक ब्रॉक लेसनर, जिस पर ब्रॉक टैप आउट कर भी दे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच है। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ, नॉर्मल रियल में तो नॉर्मल मैच ही होने वाला है, मतलब कह रहे हैं कि नॉर्मल मैच होगा लेकिन खून वून निकलेगा, इसलिए ब्रूटल मैच तुम कह सकते हो उस मैच को। और एक कॉडी कटर, कॉडी करना हो यार, सुप्लेक्स सुप्लेक्स, एक और सुप्लेक्स बीस्ट इनकार्नेट को। फिर से जोश में आते हुए कॉडी रोड्स, फिर से मोमेंटम बनाते हुए कॉडी रोड्स, एक और कॉडी कटर, इट्स टाइम फॉर अ कॉडी कटर जो रिवर्स हो गया।
Cody Cutter has been reversed by the beast incarnate Brock Lesnar. Brock Lesnar रिवर्स कर सकते हो भाई, रिवर्स थोड़ा हमें भी करने दिया करो. एक फिशरमैन बाय कोडी रोड्स. खड़े हो जाओ ब्रॉक, ब्रॉक खड़े हो. दो लाते खा के सफा चट ना. मैं ब्रॉक को जैसे धमकी लगा रहा हूँ ना, ब्रॉक मुझे बहुत मारने वाले हैं. स्टैंडिंग क्लोज लाइन. क्रॉस रोड्स आ चुके हैं. इट्स टाइम फॉर बी क्रॉस रोड्स. यार पकड़ ले इसको. क्रॉस रोड्स बाय टू ब्रॉक लेसनर. रिया रिप्ली ऐसे पहले सेकंड क्रॉस रोड्स बनता है. सेकंड लुकिंग फॉर द ट्राइफैक्टर. ट्राइफैक्टर पूरा नहीं हो सका. अब आप काउंट डाउन करो, तब तक मैं रिया रिप्ली के ऊपर एक सुसाइड डाइव ही कूद आता हूँ. यार ये डार्बी एलन वाली हरकतें क्यों कर रहा हूँ. एक AEW के सुपर स्टार है डार्बी एलन, मैंने उनका नाम सुना अभी. उनका है ये मूव भाई. मत मारो ब्रॉक इतना. ब्रॉक के मुँह से तो खून निकल भी आया. जैसे मैं रियल में कह रहा हूँ कि एक बहुत वायलेंट मैच होने वाला है, तो वैसे ही ब्रॉक के मुंह से खून भी निकल आया. भाई रिया रिप्ली पे नहीं, बीस्ट पे टारगेट रखो अपना. और ब्रॉक की हेल्थ भी है, मेरी भी हेल्थ है. खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ. एक मिनट ऑफ इट. ये पंप किक. अब हरकतें करनी है रिया रिप्ली. ब्रॉक लेसनर ख़त्म है. आओ ब्रॉक लेसनर आओ. मैं यहाँ पे हूँ, मैं आराम से हूँ. हथौड़ा उठा के आओ. आओ तो सही, ये खाओ. जेलर ड्राइवर टाइलर ड्राइवर 97 98 खड़ा भी नहीं होता गंदा आदमी. यार ये क्या होता है मुझसे ना, ये जब होता है मुझसे तो बड़ा गुस्सा आता है. हैमर हवा में. ठीक है भाई, कोडी रोड के सामने आप कर लो जो करना है आपको. कोडी रोड गिर भी गए भाई. वो भाई पंचेस मारना चाह रहे हैं ब्रॉक लेसनर. ओहो ब्रॉक लेसनर के अंदर का खूंखार शेर जाग चुका है. करो ब्रॉक हरकतें, करो करो करो. अब एक क्रॉस रोड. अब आपको एक कॉडी कटर खाने से कोई नहीं रोक सकता. एक कॉडी कटर हराओ, इन्हें हराओ. अब मत खड़े हो ना ब्रॉक, वरना मुझे एक सुपर कॉडी कटर देना होगा. खड़े हो गया भाई, फिर खड़े हो गया. कोई भाई बात का असर ही नहीं है. कॉडी कटर लेकिन फिर भाई डबल एक्स हैंडल हवा के अंदर. भाई मुझे बहुत ज़्यादा काउंट हो गई और मैं मूव भी नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट मूविंग. 8 की काउंट हो गई है. नहीं नहीं ब्रॉक कूदो जरा, ब्रॉक कूदो जरा. हाँ भाई फिर से कितने की काउंट हो रही है मेरे पे. 2 भाई 9 की काउंट में मैं हिला ना. ओ माय गॉड, वन मोर टाइम. इट्स टाइम टू पे ट्रिब्यूट टू ट्रिपल एच. भी एक मिनट टाइम आ रहा है कि हम ज़रा गेम वाली हरकत कर दें. एक पेडिग्री दे दें, एक पेडिग्री टू ब्रॉक लेसनर. अब एक जेलर ड्राइवर वन मोर टाइम. सुप्लेक्स मत देना. कोबरा क्लच इन टू स्कल क्रशिंग फिनाले बाय ब्रॉक लेसनर टू कोडी रोड्स. और कोडी की तरफ से एक किक, और कोडी की तरफ से एक और रिवर्सल. कोडी ने हथौड़ा उठा लिया है. क्या ये फाइनल नेल होगा कॉफिन के अंदर? हाँ ये एक फाइनल नेल होगा या नहीं पता नहीं, अभी भी कुछ कह नहीं सकते. 3 खड़े हो जाएंगे शायद. 4 5 6 पे खड़े होने. ओह भाई बहुत मार रहे हैं मुझे. हेल्थ तो इसकी मुझसे ज़्यादा कम है ब्रॉक की, मगर ठीक है ब्रो. ओहो थैंक यू अल्लाह. लाइट आ गई भाई, लाइट गई थी. बहुत डर लग रहा था, अकेले बैठ के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. फटती है थोड़ी थोड़ी अकेले में. अकेले फटती है. कॉडी कटर जोश भाई जोश. क्राउड इज हियर अबाउट टू ब्लो. एवरीबॉडी वांट टू डू टेल मी हाउ द एवरीबॉडी वांट्स टू. आई स्टोल द शो. सारा नहीं आता. टेल मी अबाउट द ग्राउंड बिलो से वो
इसी बात पे रिया रिप्ली को कूद जाओ, रिया रिप्ली कूद गया भाई, कूद गया। रिया रिप्ली को जिंदा नहीं छोड़ेंगे आज के मैच के बाद। सब सब सबसे पंगे हैं रिया रिप्ली के, सबसे ही पंगे। खड़ी हो जाओ रिया रिप्ली, एक क्रॉस रोड दिखा जाओ। क्रॉस रोड तो नहीं खाई, मुझे अपने टांगों के अंदर दबा लिया। रिया रिप्ली इज ऑल्सो स्मार्ट, स्मार्ट 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 स्मार्ट, एकदम एकदम स्मार्ट गर्ल। बहुत तेज मारा, दर्द हुआ। अब थोड़ी हिम्मत पकड़ो, अब थोड़ी हिम्मत पकड़ो, रिंग में जाओ। मेरे कॉडी, मेरे रोड्स, मेरे शोमी मोड्स वाले बंदे हो आप, मेरे शोमी मोड्स। नीचे गिर गया, नीचे गिर गया ब्रॉक, नीचे गिर गया। एक्सटॉल द शो भाई, ब्रॉक को लगी, ब्रॉक को लगी, तेज तेज लगी भाई, बहुत जोर से लगी। जर्मन सुप्लेक्स बाय ब्रॉक फ्रीकिंग लेसनर, जिससे मैं नीचे भी गिर रहा हूँ। यार रिया रिप्ली आपका काम नहीं है, मेरा और ब्रॉक का काम है, ठीक है ना। ये फालतू हरकत नहीं चाहिए। एक बुलडॉग टू ब्रॉक, ब्रॉक के साथ कुछ एक्सट्रीम करना होगा। खड़े हो जाओ ब्रॉक, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कम ऑन ब्रॉक, कम ऑन। मैं अपनी छाती पीट लेता हूँ जब तक रिया रिप्ली मेरे ऊपर कूदने की साजिशें कर रही थी, साजिशें। ब्रॉक खड़े नहीं हो पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, चलो खड़े हो ही गए थे। आ जाओ टेबल के ऊपर, अब एक टाइलर ड्राइवर 98 पड़ेगा टेबल के ऊपर, और टेबल चकनाचूर, ब्रॉक का सर भी चकनाचूर। हम दोनों पर 1 की काउंट हो गए, हम दोनों पर 2 की काउंट हो गई, 3 की काउंट हो चुकी है दोनों बंदों पे, और कॉडी खड़े हो चुके हैं। 4 की काउंट हो चुकी है, 5 की ब्रॉक पे काउंट हो गई, और ब्रॉक भी खड़े हो गए। अब ब्रॉक को पकड़ा है रिंग के अंदर ले जाने के लिए, रिंग के अंदर फेंक दिया गया है ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक को एक क्रॉस रोड से कॉडी कटन जो कि नहीं कनेक्ट हुआ, जिसका रिवर्स किया, 2 की काउंट हो चुकी है मुझ पर। भाई स्नैपमेयर से तो मैं नहीं हारने वाला ना, नो गॉड, आई डोंट वॉन्ट टू लूज माय काउंटर स्नैपमेयर। मतलब देख रहे हो जिस लेवल की शर्म आएगी मुझे भाई। 9 की काउंट में, 8 की काउंट में मैं खड़ा हो रहा हूँ भाई। शर्म करो कॉडी रोड जैसे मूव मारते हुए, इससे ज्यादा तो मून सॉल्ट ही दे देते भाई। यहाँ पे क्यों चढ़ना है कॉडी आपको, कॉडी यहाँ पे चढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, यहाँ पे चढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कॉडी कटर देने का है। उसके बाद रिया रिप्ली हमसे फालतू हरकत मत कीजिए। आप गई रिया रिप्ली, रिवर्सल, और रिया रिप्ली को गिरा दिया। रिया रिप्ली ये जितना ब्रॉक को बचाना चाह रही हो ना, ब्रॉक का उतना ही खून निकलेगा, अंग अंग से खून निकलेगा ब्रॉक लेसनर के। बचाओ बचाओ, ब्रॉक लेसनर को बचाना चाहती हूँ। हाँ बचने तो नहीं वाला आपका ब्रॉक, आपका बीस्ट बचने तो नहीं वाला। कैसे खून खार बीस्ट को हमने छोड़ दिया, तो किसको छोड़ दिया ब्रो, ऐसा किसको छोड़ दिया ब्रो। पब्लिक हमसे यही बोलेगी सारा दिन के, भाई किसको छोड़ दिया था बीस्ट को, नाइटमेयर प्ले नहीं कर पाया। अब नाइटमेयर इज गोइंग टू बी द अमेरिकन, नाइटमेयर इज गोइंग टू बिकम द बीस्ट स्लेयर, स्लेयर नहीं स्लेयर, स्लेयर। नीचे गिरो, नीचे गिरो, अब पकड़ो इसको, पकड़ो। इतनी जोर से इसने ग्रैब कर रहा है ना, और घसीट रहा है ब्रॉक लेसनर। उस टाइम से घसीट के अब बैठ गए ब्रॉक लेसनर मुक्के देने के लिए। अब ब्रॉक को मुक्के, ओ हो, कॉडी रोड्स भी जोश में, कॉडी रोड्स भी जोश में, और एक और पंच, एक और पंच, एक और पंच, एक और पंच, पंच बाय पंच। ये तो पंच लाइन ही बन गई है। दूर रहो कौड़ी रोड, कौड़ी रोड, सुसाइड डाइव बाय कौड़ी रोड, इट्स टाइम टू शो यू हाउ ही डाउनलोड्स मोड्स, ओह माय गॉड। अब ले आओ भाई रिंग में, अब इसको क्रॉस रोड्स पढ़ के इसका टाटा होगा। ब्रॉक आ जाओ रिंग में, अब आपका वक्त आ चुका है रिंग में आने का। रिंग में नहीं आओगे, खड़े हो जाओ ब्रॉक, ये हथौड़ा मुझे रिंग में डालना है। दो रिंग में भाई कोई सामान भी नहीं जाता मुझसे, नहीं नहीं अब चला गया, इतना भी नूब नहीं हूँ मैं। ब्रॉक आ जाओ रिंग में,
अब अपना हथियार उठा लो। फिर मैं अपना हथियार उठा लेता हूँ। इसका हथियार पहले कनेक्ट हुआ, मेरा हथियार में ही टांग था भाई। ब्रॉक के ऊपर मैंने एग्जैक्ट ऊपर फेंक के मारा उसे हैमर को। अब हैमर उठाओ, खड़े हो जाओ। एक हैमर का शॉट एंड में दूंगा कोडी कटर देने के बाद। कोडी कटर देंगे ना एंड में, एक हैमर शॉट देने, एक क्रॉस रोड्स, टाटा बाय बाय, फिनिश द स्टोरी। जो हमारा थीम है भाई, फिनिश द स्टोरी का, उस स्टोरी को फिनिश करना, एक स्टोरी को फिनिश करना। पहले एक हैमर से शॉट ही दे देते हैं, फिर गिरा के ना क्रॉस रोड्स देंगे, अच्छा लगेगा थोड़ा। और डबल टेक डाउन। और ये ब्रॉक लेसनर की तरफ से एक अच्छा रिवर्स लगा मुझे भाई। जो आपकी दुश्मन की भी बात आपको अच्छी लगे ना, वो बोल देनी चाहिए। तो मैं बोल देता हूँ आई लाइक दैट शॉट। एक मूनसॉल्ट तो भाई बनता ही है, उस टाइम से मूनसॉल्ट नहीं लिया। क्या कर रहा हूँ यार मैं कॉडी रोड्स बन के, जब मैं कोई मेन काम कर ही नहीं रहा हूँ, कोई मेन मूव परफॉर्म कर ही नहीं रहा हूँ। ओ एक क्रॉस रोड की, एक कॉडी की तरफ से हैमर का शॉट। अब खड़ा कर लिया है उन्होंने ब्रॉक को, ब्रॉक को खड़ा करके दौड़ाया। दौड़ाने के बाद नहीं लगा भाई, नहीं लगा, नहीं लगा। खड़े कर दो भाई ब्रॉक लेसनर, एक दफ़ा अंकल खड़े कर दो। और कॉडी भाई, भाई इस दफ़ा मूड में, मूड में कॉडी, बैली टू बैली यार। मूड में हो या मूड में हो ना हो, ब्रॉक के लिए फर्क नहीं पड़ता। ब्रॉक लेसनर भी लाइक, मैं मूड में नहीं हूँ कोडी कटर खाने के लिए, तुम मूड में हो तो हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भाई ट्रेन कहाँ से गुजर कहाँ से रही है भाई, ट्रेन कहाँ से गुजरने लग गई रात को, इस टाइम इस पहर रात की गाड़ी चल रही है वहाँ ओपी। अभी डायमंड कटर वगैरह कुछ बनता है उनको, एक यार इन्होंने फिर मेरी एंडरलीन ख़त्म कर देते हैं भाई, क्या थित्थर आदमी है ब्रॉक लेसनर। फिर मेरी एंडरलीन गई, ब्रॉक लेसनर फुड़को पकड़ गया। आप तोड़ो ब्रॉक लेसनर को, हैमर के क्या मैंने दो तीन शॉट मार दिए भाई, गुस्से में बंदा। एक और किक्का, खड़े हो जाओ भाई कॉडी, ब्रॉक खड़े हो जाओ। एक क्रॉस रोड, एक कॉडी कटर, नहीं खाना ब्रॉक ने, अब ब्रॉक ने नहीं खाना वो कॉडी कटर। ब्रॉक भाई गुस्से में है, आ जाओ ब्रॉक, आ जाओ आ जाओ, कैमरा उठा लो, उठा लो, बन जाओ कैमरा मैन, आ जाओ। एक और मुक्का, एक और लात, एक और घुसा, खड़े हो ब्रॉक। मैं जानता हूँ आप इतनी जल्दी हारने वाले नहीं हो, नहीं इतनी जल्दी मैं हार मनवाने वाला हूँ आपको। खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो रहा हूँ। कम ऑन, इट्स टाइम टू बी अप ब्रॉक, इट्स टाइम टू बी अप, इट्स टाइम टू बी स्टैंड, स्टैंड अप। और ब्रॉक लेसनर तो खत्म हो गए। इवन ट्रिपू अंकल इज ऑल्सो फिनिश 2-5। भाई खड़े होने की कोशिश करो, एट भाई साहब खड़े हो जाओ, काउंट रोकनी है। और कोडी रोड्स वन दिस मैच, तो मेरी प्रिडिक्शन अभी तक तो यही है कि ऑट भी यही अभी तक यही कह रहे हैं कि भाई कोडी, मतलब अभी तक तो ये प्रिडिक्शन है और अभी तक यही है कि कोडी रोड्स जीतेंगे। हो सकता है प्लान्स चेंज हो जाए तो फिर लास्ट मोमेंट के अंदर तो ब्रॉक जीत जाए, लेकिन अगर ब्रॉक जीते तो फिर होगा, अगर ब्रॉक जीते हैं ना तो मतलब समझो कि ये राइवलरी कंटिन्यू होनी है। और अगर कॉडी जो ऐसा है तो जीते तो मतलब ये राइवलरी एक ही मैच की थी। लव यू, थैंक यू, लव यू। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।